पर पाद रहा है और इसका पाद हजमोला नियन मोहक रहा है। अरे क्या करोगे जी, बहुत बदमाश है, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। जाओ तुम भी इसका मुंह पर पाद दो, जाओ। ठीक है सर, जैसा आपका आदेश। अरे क्या हुआ रे, ईयर ले लिया क्या? नहीं सर, आवाज ही नहीं निकल रहा, एक बार और कोशिश करते हैं। अरे बम जैसा इतना तेज क्या चीखा आवाज आया जी, और तुम लोग दांत का हल फाड़ रहे हो। हो दिया। क्या? हाँ जी। हाँ सर, लगता है कि उसके मुंह पे जब पाद में गए ना, तो गलती से थोड़ा सा लेटरिंग बाहर फेंक दिया। अरे तेरा के। अच्छा कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा में हार जीत होते रहता है, अब अगला बार अच्छा से तैयारी करके आना। अच्छा बच्चों, पिछले क्लास में हमने बोला था कि किसी भी चीज पे लेख लिख के लाना है, तो कौन कौन लाया है? सर हम लाए हैं लिख के। अच्छा क्या चीज पे लेख लिख के लाए हो, बताओ। सर हम लिख के लाए हैं पाद एक समस्या। ये लो, कोई लिख के लाता है बाढ़ एक समस्या, तो ये लिख के लाया चोटवा की पाद एक समस्या। हाँ सर, इसलिए तो सब इसको पदकरा पदकरा बोलता है। तो तुमको भी तो सब चोरनिया चोरनिया बोलता है। देखो फिर लड़ने लग गया। अच्छा जो लिख के लाया सुनाओ। ठीक है सर, सुनिए। पाद एक खतरनाक और जहरीला बीमारी है, जिसका इलाज पूरे दुनिया में नहीं है, इससे केवल बचा जा सकता है। अब सर जानिए कि पाद कितने प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का होता है बताओ। सर पाद को तो ऐसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन सा दो भागों में बांटा गया है बताओ। सर पहला टमाटोन पाद और दूसरा फुसफुसिया पाद। अरे चुप करो चंडाल। और सर टमाटोन पाद को कुछ देशों में सतरंगी पाद भी कहा जाता है। अच्छा अब सतरंगी पाद भी मार्केट में आ गया ना। अच्छा सतरंगी पाद को कैसे पहचानेंगे? और सतरंगी पाद का पहचान है सर रुक रुक के पाद आना। छी छी गंदे आदमी। अरे तुम गौर से सुनो, तुमको भी फायदा देगा। ए ज्यादा मत बोलो, हमको नहीं लेना फायदा होता। अरे तुम लोग फिर हल्ला शुरू कर दिया, आगे सुनाओ। हाँ सर, अब जानिए पाद के फायदे और नुकसान। ये लो, अब पाद के फायदे और नुकसान भी होने लगा, बताओ। ऐसे तो पाद के अनेकों नुकसान और फायदे हैं सर, लेकिन आपको मुख्य रूप से बताते हैं। जैसे पाद का सबसे बड़ा फायदा, दिवाली में पटाखों की जगह इसका इस्तेमाल करके अपना पैसा बचा सकते हैं। अरे चंडाल, तुम लोग को बोल रहे हैं बार बार कि हल्ला नहीं करो रे। हाँ जी तुम सुनाओ आगे। और अब सर जानिए कि पाद से नुकसान क्या है। क्या है बताओ। जैसे कि सर आप मान लीजिए कि आप गर्लफ्रेंड के साथ कोई पार्क में बैठे हैं। अरे चुप बुड़बक, हम कहला गर्लफ्रेंड के साथ बैठेंगे। नहीं सर, मान लीजिए कि आप गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हैं और आपको अचानक से पाद आ जाए। तो बना बनाया खेल पे पानी फिर जाएगा। हाँ देखो ये बात तुम 100% के बोले हो, चलो अब कंट्रोल करके हम चलेंगे। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, और खास बात कोई भी बच्चे स्कूल में इसे इस्तेमाल ना करे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले BFTS म्यूजिक चैनल।